हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग कवर करेंगे जो वुमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाने वाला है, ब्राज़ील वुमेंस अंडर 19 वर्सेस सीजेड रिपब्लिक वुमेंस अंडर 19 के बीच में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको अगर आप बता दूँ तो ये आपको ध्यान में रखने का, अगर आप बास्केटबॉल के शौकीन हो, कोई आपको बताएगा नहीं इतना डिटेल में, मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। सीधा हम लोग गौर करते इस इमेज की तरफ, तो आप देख सकते हो गाइज फैंटाफीड एप्लीकेशन तमिलनाडु जो बैन किया था फैंटासी, देख सकते हो आप चालू हुआ है फिर से। और जो है फैंटाफीड एप्लीकेशन है गाइज बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, अगर आपको लॉस कवर करना है, आपका बास्केटबॉल में आप लॉस में हो तो गाइज फैंटाफीड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन, वहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है जो फैंटाफीड का रेफरल लिंक है मेरा, ठीक है। और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ भी मैंने मेरा फैंटाफीड का रेफरल लिंक आपको मेंशन किया है। तो जाके आपको क्या करना है, मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है। आप अगर रोहित द हिटमैन रेफर कोड यूज़ करते हो और इंस्टॉल करते हो, सीधा आपको मैसेज करना है मुझे टेलीग्राम पर रोहित द हिटमैन आईडी पे। आपको जो मेरा प्राइम टीम रहेगा वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है। मेरी प्राइम टीम्स रहेंगी वो सारी आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे 1 सेकंड केवाईसी वेरिफिकेशन है, इतना जल्दी कहाँ भी नहीं होता है। जी हाँ सही सुन रहे हो, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके अगले सेकंड में, एक ही सेकंड में आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। इंस्टेंट विड्रॉल है यहाँ पे, ठीक है। लोएस्ट एंट्री फीस है गाइस, तो आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते समय मनी सेव कर रहे हो, यही आपके लिए एक तरह की विनिंग है, ठीक है। डेली गिव अवेज, ये बात नोट करके लो, लिख के लो, डेली गिव अवे कन्फर्म होंगे 2000, 5000, 10000 डेली गिव अवे आपको यहाँ पे मिलेंगे। विदाउट मतलब आपको कोई एंट्री फी ज्वाइन नहीं करना है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो 5 मिनट एक्स्ट्रा बास्केटबॉल। सो गाइज ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसका बेनिफिट अभी मैं आपको बताता हूँ। जो मोस्ट ऑफ द मैचेस अभी ड्रीम इलेवन में आप देख रहे हो बास्केटबॉल के, लाइनअप कब आती है, ड्रीम इलेवन की डेडलाइन जैसे ही खत्म होती है उसके बाद, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके प्लेयर मिस होने के ड्रीम इलेवन के टीम में। तो आपको क्या करना है, फैंटाफीड पे खेलना है, मेरा रेफर कोड रोहित द हिटमैन ये कंपलसरी है आपको, ये डाल के इंस्टॉल करना है और मुझे मैसेज करना है, ठीक है। जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टीम, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करनी है फैंटाफीड एप्लीकेशन पर। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या फ़ायदा होगा इसका, जो फैंटाफीड के टीम में आपको प्रोवाइड करूंगा वो मैं जो मैचेस देखूंगा वो आपको लाइव देख के बताऊंगा, ठीक है। लाइव मैच देखूंगा जैसे ड्रीम इलेवन की डेडलाइन खत्म होती है, जो 5 मिनट रहते हैं उसमें मैच लाइव चालू होता है। अगर कोई प्लेयर फाउल देता है या फिर कोई प्लेयर इंजूर हो जाता है तो मैं उस हिसाब से मेरी फाइनल टीम आपको एडिट करके लाइव मैच देख के बता दूंगा। तो आपके ओपोनेंट से आप हमेशा 2 कदम आगे रहोगे और आपका जो टीम रहेगा वो अनबीटेबल रहेगा। तो ये सारे एडवांटेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आपकी मर्ज़ी है गाइस, मैंने बताने का आपको काम किया है। आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। अगर आप मेरे रेफर कोड रोहित द हिटमैन से इंस्टॉल करते हो तो आपको जो मेरी प्राइम टीम्स है फैंटाफीड की वो बिल्कुल यानी बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने आपको गाइड कर दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद में हम लोग गौर करते हैं जो बॉक्स स्कोर था लास्ट मैच का, देख सकते हो गाइस लास्ट मैच, तो लास्ट मैच हुआ था जापान और सीजेड रिपब्लिक का, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सीजेड रिपब्लिक का लास्ट मैच का बॉक्स स्कोर 63-58 से विन किया था, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये इमेज सेम जूम करके बताऊंगा ताकि आपको और ध्यान से दिखे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद में स्टार्टिंग लाइनअप सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको। स्टार्टिंग लाइनअप में थी कैटरीना ज़ाइतेमिरोवा, पीटेरा मालिकोवा, सिमोना फेसेरोवा, मार्टिना पोकरोना और लास्ट में थी वैलेंटिना कार्लेकोवा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट से जाएंगे, देख सकते हो फर्स्ट कैटरीना ज़ाइतेमिरोवा का, देख सकते हो 30 मिनट खेली थी उसमें उसने 15 पॉइंट स्कोर किए थे। अगर हम लोग बात करेंगे रिबाउंड असिस्ट की, 2 रिबाउंड्स 3 असिस्ट 3 टर्नओवर और 3 स्टील्स के साथ, ठीक है। यही सेम इमेज मैं आपको रोटेट करके बताऊंगा ताकि और आपको अच्छी तरह से ये इमेज समझे, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग देखेंगे जो सेकेंड प्लेयर थी, सेकेंड प्लेयर की हम लोग बात करेंगे वो है एनेटा फिनकोवा, देख सकते हो 3 मिनट से खेली थी, ज़्यादा कुछ किया नहीं था, 1 रिबाउंड 1 टर्नओवर दिया था। उसके बाद में है डोमिनिका पोरोवा, 25 मिनट 17 पॉइंट्स, देख सकते हो 10 रिबाउंड्स थे 2 असिस्ट 3 टर्नओवर्स, ठीक है, स्टील ब्लॉक कुछ किया नहीं था। डोमिका हेनकोवा 14 मिनट खेली थी, 1 रिबाउंड उसने सिर्फ लिया था। बाद में पीटर मालिकोवा जिसने स्टार्ट किया था, 29 मिनट 7 पॉइंट्स 6 रिबाउंड 4 असिस्ट 2 टर्नओवर और 3 स्टील्स उसने लिए थे। बाद में देख सकते हो एलिस्का कुबिकोवा 7 मिनट में 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 टर्नओवर, सिमोना फेसेरोवा अच्छी पिक है एसपी और पीपी के लिए आज के मैच के लिए, 30 मिनट्स में 9 पॉइंट्स 10 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 टर्नओवर 1 स्टील और 1 ब्लॉक, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गाइस, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो अनदर प्लेयर है मार्टिना पोकरोना, देख सकते हो 22 मिनट्स में 2 पॉइंट्स था 8 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 टर्नओवर के साथ, ठीक है। उसके बाद में है जूलिया वाइड्रोवा,
विट्रो का परफॉर्मेंस देख सकते हो, 3 मिनट ही खेली थी, ज़्यादा उसको खेलना नहीं मिला था, 1 रिबाउंड और 1 असिस्ट उसने स्कोर किया था। उसके बाद में है एलिस का, बिजरिकोवा ज़्यादा मिनट नहीं खेली थी, अभी 12 मिनट्स में 2 पॉइंट्स 5 रिबाउंड 1 असिस्ट और 3 टर्नओवर थे, ठीक है। उसके बाद में है वैलेंटिया कार्डलेकोवा, बढ़िया प्लेयर है, देख सकते हो आप 28 मिनट खेली थी लगभग, 11 पॉइंट्स 4 रिबाउंड 1 असिस्ट, और आप देख सकते हो उसने 2 टर्नओवर और 1 स्टील भी अपने टीम के लिए स्कोर किया था। तो ये स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया है जो सिजेडिक रिपब्लिक का था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट स्कोर कार्ड रहेगा हमारा, जो टीम है ब्राज़ील वर्सेस कोरिया का, ठीक है। तो अभी हम लोग गौर करेंगे ब्राज़ील के स्कोर कार्ड की तरफ, तो ये भी आपको मैं जूम करके बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग लाइनअप में कौन थे ब्राज़ील के लिए, ठीक है। स्टार्ट किया था रियाना डे सैंटोस, बैटर ये एनियास, बाद में एड्रियली फ्रांसिसो डी ओलिवरा, उसके बाद में देख सकते हो मैसा परेरा, और लास्ट में है मियारा परेरा, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, देख सकते हो मारिया अड्रोवा ओटान का परफॉर्मेंस, 5 मिनट खेली थी, 2 असिस्ट 1 रिबाउंड और 1 टर्नओवर के साथ। रियाना डियाज डी सैंटोस 15 मिनट्स में 1 रिबाउंड 1 असिस्ट 7 टर्नओवर 1 स्टील, ठीक है। उसके बाद में है बियट्रिस एनियास, 28 मिनट्स 9 पॉइंट्स 7 रिबाउंड 2 असिस्ट 1 टर्नओवर 1 स्टील। जियोना थाइना नेवेस डी ओलिवरा 32 मिनट 12 पॉइंट्स 5 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 टर्नओवर 1 स्टील। बाद में है अलाइनिस डेलबोनी डा सिल्वा, 1 मिनट ही खेली थी, उसने किया नहीं था अपने टीम के लिए। उसके बाद में हम लोग गौर करेंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे आपको दिखेंगी लेटिका रिकेम्बो, 1 मिनट खेली थी 1 रिबाउंड के साथ। एड्रियली फ्रांसिसो डी डिल्वा 14 मिनट्स में 10 पॉइंट्स 4 रिबाउंड, बाद में उसमें 1 असिस्ट स्कोर किया था, ठीक है, ये 2 टर्नओवर है और 1 ब्लॉक। माइसा परियरा 39 मिनट्स खेली थी, 7 पॉइंट्स 11 रिबाउंड्स, बाद में देख सकते हो आप 4 असिस्ट के साथ 6 टर्नओवर थे उसके, ठीक है, देख सकते हो 6 टर्नओवर किए थे उसने। उसके बाद में अगली प्लेयर जो है बियाना डी सारियोसोरेस, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, 32 मिनट खेली थी, 6 पॉइंट्स 6 रिबाउंड, बाद में आप देख सकते हो 2 असिस्ट 3 टर्नओवर और 1 स्टील और 1 ब्लॉक उसने स्कोर किया था। और आज के मैच की सबसे बेस्ट बढ़िया प्लेयर ये है मारिया परेरा, 30 पॉइंट्स 20 रिबाउंड्स 4 असिस्ट 1 स्टील और 2 ब्लॉक, ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर है मारिया परेरा, ठीक है। नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक का नाम है मैसा परेरा और ये सेंटर जो है मियारा परेरा, ठीक है। तो एसपी के लिए बेस्ट पिक होने वाली है आज के मैच के लिए। तो मैंने आपको दोनों टीमों के बारे में डिटेल में बता दिया है, सीधा हम लोग गौर करेंगे आज के मैच की टीम की प्रीव्यू की, ठीक है। तो टीम की प्रीव्यू में आपको अभी बता दूं, तो सबसे पहले पीजी सेक्शन में मैंने पिक किया यहाँ से पौरावा को, वी कार्डलेकोवा को, ठीक है। अनियास को आप पिक कर सकते हो, क्रेड के हिसाब से मैं उसको पिक नहीं कर पा रहा हूँ। शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया है मालिकोवा को, जी थाइना डी ओलिवरा को, ठीक है। जैते मेरा को अगर आप पिक कर सकते हो, अपने क्रेडिट मैनेज कर सकते हैं तो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। पौरावा को निकल के आप यहाँ जैता मेरा होगा ले सकते हो। एस एफ सेक्शन से मैंने पिक किया है डेरियोगा सोरेस को, ठीक है, डेरियोगा सोरेस को मैंने पिक किया। फिर एक बार बताऊंगा मैं क्रेडिट मैनेज नहीं कर सकता, अगर आप पोराव को निकाल के यहाँ पे जैता मारा को ले रहे हो तो यहाँ से आप डैरियो सैरोस को निकाल के पोकोरोना को अपने टीम में आसानी से ले सकते हो, ठीक है। पीएफ सेक्शन से मैंने पिक किया पेरिया को, फेसरोवा को, और सेंटर सेक्शन से मैंने पिक किया एम पेरिया, जिसने 30 पॉइंट्स और 20 रिबाउंड लास्ट मैच में स्कोर किए थे। तो ऐसा कुछ रहेगा मेरा टीम का प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एसपी के लिए मैं जाऊँगा एम पेरिया के साथ, पीपी के लिए जाऊँगा फेसरोवा, अनदर पीपी ऑप्शन आपके लिए रहेंगे यहाँ से एम मालिकोवा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट इश्यू मैच होने वाला है ये मैच में आपके लिए, तो यहाँ से आपको अच्छे पिक साबित हो सकते हैं डी पौरावा बी अनियास, इसको आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। तो ये मेरी रहेगी स्मॉल लीग के लिए कॉम्बिनेशन बिफोर द लाइनअप, एस पी एम पेरेरा के साथ, पी पी एस फिशरोवा के साथ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन, ताकि लास्ट मिनट में जो कुछ लाइनअप में चेंजेस होते हैं वो सारे डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे जो वीडियोज़ है आपको टाइम टू टाइम मिले, इसलिए आपको मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और राइट साइड में नीचे जो बेल आइकन दिखेगा उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो गाइज़ याद रखना, फैंटाफिट एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अगर आप फैंटाफिट एप्लीकेशन पर खेलते हो गाइज़, तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम सारे अपडेट के साथ फाइनल टीम में आपको प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आराम से विन करना है आपको, ठीक है गाइज। सो 1 सेकेंड बताता हूँ,
डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का है डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वहाँ पे मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल का और फैंटाफिट एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन पे आपको मेरा फैंटाफिट का रेफरल लिंक मिल जाएगा, रोहित द हिटमैन रेफर कोड डाल के आप इंस्टॉल कर लेना और टेलीग्राम पे मुझे सर्च करो रोहित द हिटमैन और मुझे मैसेज करके बता देना कि भाई मैंने आपके रेफर कोड से इंस्टॉल किया है फैंटाफिट, आपको जो मेरी सारी प्राइम टीम्स रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने को मिल जाएगी, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और आराम से विन करना है। सो आई होप आपको सभी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अच्छा लगा होगा गाइज लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।